वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करते हैं, जो हम लोगों के सवाल चल रहे थे, है ना, उसमें किस तरीके से और आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे दशमलव में भी कुछ सवाल इस तरीके से आ जाएंगे, एक क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो उनको किस अप्रोच के साथ हल करना है ना, एक तरफ से सिलसिलेवार तरीके से हम लोग उनको करते हैं, जिससे हम लोगों क्या है एक कॉन्सेप्ट समझना है किस तरीके से उन सवालों को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है ना। चलिए देखते हैं पहले सवाल। उसने दे रखा 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.0027 बटे 2.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा अब 2.3 को समझते हैं। 2.3 का उसने क्या दे रखा है होल क्यूब माइनस 0.027। 0.207 का मतलब हो गया 0.3 का होल क्यूब। 0.3 का कितना मिले भाई होल क्यूब, कैसे समझते हैं। जैसे उन्हें दे रखा था 0.207, तो इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना बन जाएगा भाई, बन जाएगा या नहीं। अब इसका अगर हम लोग इस तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं या नहीं। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो इसी 3/10 को मैंने क्या लिखा 0.3 का होल, है ना, यही तो किया मैंने, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा कि इस तरीके से अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से लिखकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पर आगे, अब नीचे क्या उसने दे रखा है, नीचे तो सब दे ही रखा है कि 2.3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2.3 × 0.3, है ना, यही तो हो जाएगा, और फिर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। 0.3 का क्या मेरे भाई होल स्क्वायर, क्योंकि लिखा है 9/100, 9/100 को क्या ले सकते हैं 3/10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना 0.3 का होल स्क्वायर। अर्थात अब ये लिख क्या इन्होंने रखा है वो आप समझिएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, यही तो दे रखा है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें इसको, तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा, अर्थात a माइनस बी आपका केवल बचा, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा भाई, आप समझिएगा कि 2.3 माइनस 0.3, यही हो गया, ये a हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई b, तो ये कितना हो गया आंसर 2। आंसर नंबर कौन सा सही हो गया आपका, फर्स्ट एस थर्ड नंबर इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है ना, ये तो हो गया एक प्रॉपर मेथड, लेकिन अगर आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझे, तो आप जिस तरीके जैसे ही आपने सवाल देखा स्क्रीन पर, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये मुझे दिख रहा है कि होल क्यूब बनना, तो नीचे देख लेता हूँ क्या फंक्शन बन रहा है ना। तो मैंने नीचे देखा तो देखा कि ए स्क्वायर प्लस 23 इंटू तो हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये वाला पोर्शन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा किससे, उससे, तो कितना बचेगा ए माइनस बी, तो हमने क्या 2.3 से 0.3 लेस कर दिया, आपका आंसर आ गया ना। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल उसमें दे रखा 0.87 का होल क्यूब प्लस 0.13 का होल क्यूब, इसको हम लोग बहुत आराम से करेंगे, इसमें पूरा फंक्शन उसमें दे रखा है, और फिर देगा 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर माइनस 0.87 × 0.13। तो ऊपर देखिए क्या दे रखा, आप केवल इतना समझिएगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, एक तो इसको इस तरीके से लिखने में मेरे भाई समय कम लगता है ना, और उसको अगर इस तरीके से लिखें 0.87 को, उसको लिखने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप इस वेरिएबल्स में लिखें, तो क्या हो जाएगा ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका कितना होता है, कितना होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको फार्मूले एकदम रटे होने से, है ना, फार्मूले रटे होने से क्या होता है कि बहुत ही तेजी में फिर सवाल हो जाते हैं। अब इससे ये कट गया, अच्छा कितना ए प्लस बी अर्थात 0.87 प्लस 0.3, ये आंसर आ जाएगा कितना, अगर 7 × 3 = 10 अर्थात 1.00। ऑप्शन कौन सा सही आपका हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। इस तरीके से ये सवाल हो गया, आप देखिएगा आपने केवल सवाल को देखा समझा आपको, लेकिन मेरे भाई फार्मूले की जो मैंने वीडियो बना रखा उसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझना होगा, है ना।
ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे रखा 0.5 का पावर 4। ठीक है, डरना नहीं, 0.5 पावर 4 आ गई तो आप लोग देखेंगे -0.4 की पावर 4 अपॉन पॉइंट क्या दे रखा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं इसको। तो ऊपर अगर हम a मान लें, a आधार दे रखा है a की पावर 4, फिर दे रखा -b की पावर, ठीक है, नीचे दे रखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो दे रखा है ना। हमने मान लिया कि 0.5 कितना है मेरे भाई, a, b क्या है 0.4, तो इस तरीके से आपको दे रखा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो आप देखिएगा, इस तरीके से मैं अगर इसको लिख दूं तो कुछ क्या गलत होगा बताइए। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, मैंने आपको बता रखा था कल कि a की पावर यदि m n लिखा है तो क्या होता है, a की पावर n, ये मैंने सब आपको बता रखा है ना। तो वही चीज मैंने यहां पर अप्लाई कर दी, क्या कर दी कि a की पावर m n की बार हमारे सामने लिखा था और हमने इस फॉर्म में उसको लिख लिया 2 × 2, इस तरीके से लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब इसको अगर ब्रेक करना चाहूं तो क्या बन जाएगा, ये बन गया पूरा a² - b² समझिएगा, इस पूरे टर्म को। अब हमने मान लिया कि ये क्या है a² - b², तो क्या होगा a² - b² एक टर्म में क्या होता है a² - b, a + b और a - b और a + b, ये हो जाएगा ना। अब नीचे देख लेते हैं क्या लिखा का, नीचे उसने आपको दे रखा है a² + b², इससे आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा कितना a² - b², यही तो बचा। अब a की जगह हमने अभी भी इसको और ब्रेक किया जाएगा, किसमें a + b और a - b, अर्थात 0.5 + 0.4 × 0.5 - 0.4, अर्थात यहां पर कितना होगा 0.9 × 0.1। अब इसका गुणा करने में अगर किसी को समस्या आ रही हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10/10, अर्थात 9/100। 9/100 का मतलब कितना, 0.0। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो हमने इसमें क्लियर क्या समझते हैं कॉन्सेप्ट को, ए की पावर 4 और बी की पावर 4, मेन था इसको तोड़ना है ना। जब हमने इसको तोड़ा तो हमने इसको क्या लिख लिया, ए की पावर एम एन को हम लिख सकते हैं ए की पावर एम इन टू एन, तो वही हमने इसको इसमें तोड़ दिया। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को हमने मान लिया एक्स और इसको मान लिया वाई। तो अब इसको जब हमने एक्स मान लिया, मान लेते हैं, और इसको वाई मान लिया, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा x² मतलब बचा y², यही तो बचा है ना, तो वही चीज होगी। तो उनको जब ब्रेक किया तो a + b और a - b, तो एक से कट गया, बचा कितना a² - b², इसको फिर क्या किया दोबारा इसको फॉर्म में लिख लिया, किसमें a + b और a - b के, आपका आंसर आ गया बड़ा आसानी से, है ना। करते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल उसने क्या दे रखा है समझते हैं इसको। अब क्यों के कुछ सवाल देख लेते हैं किस तरीके से उनको आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे हमेशा हमने आपको बताया इस तरफ से इस तरफ के लिए हल करें, किस तरफ से मेरे भाई, इस तरफ से इस तरफ के लिए, है ना। तो वही उसने क्या देखा, तो पहले हम लोग ब्रेक करते हैं इसको 343 का होल, इसी को तो ब्रेक करेंगे। 343 कितना होता है मेरे भाई, मैंने सब करा रखे है ना, तो 7 का होता है 343, अर्थात जब ये बाहर आएगा तो ये बचेगा 1 + 7, यही तो बचेगा, ठीक है। और इधर उसने क्या दे रखा होल क्यूब, अब इसको ऐड कर दीजिए कितना आ गया 8, और ये होल 8 कितने का होता है 2 का, अर्थात आंसर कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया 2, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से बड़ा आसानी से सवाल हो गया। बात करते हैं दूसरे सवाल, दूसरा सवाल कुछ उसने इस तरीके से दे रखा है, देखिए 3 भिन्न के रूप में दे रखा है 4 12/125, तो इस भिन्न को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसमें अंश और हर होता है, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं ना। तो ये जो भिन्न है ये संयुक्त भिन्न, कैसी भिन्न है मेरे भाई, संयुक्त भिन्न। ये मैं जब आपको आगे भी पढ़ाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्या है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 + 12/125, इस तरीके से 4 + 12/125 ये होती संयुक्त भिन्न, है ना। जैसे आपने देखा होगा 2 सही 1/2, ठीक है, तो इसको लिखा जाता है 2 + 1/2, अर्थात 5/2। कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए तरीका बता रहा हूँ, है ना।
कि दो दूनी चार एक पांच अर्थात पांच बचे दो। अब इसको हल कर लेते हैं, 125 चौको कितना गया मेरे भाई? देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, 100 चौको 400 और 25 चौको 100 अर्थात कितना हो गया 500। तो आप इस तरीके से इसका गुणा नहीं करेंगे है ना, 125 इंटू 4 गुणा करके नहीं, इसको आप ब्रेक कर लीजिए किसमें, 100 प्लस 25 ए प्लस बी इंटू 4 कितना हो गया 400 प्लस 100 कितना हो गया 500। ये करना आपको आसान होगा, 125 में आप 4 गुणा करेंगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आप अगर ब्रेक कर लेंगे 100 और प्लस 25 में तो 100 चौको 400 25 चौको 100 अर्थात 500 500 ये हो गया और प्लस 12 अर्थात हो गया 512 बटे 125 का होल क्यूब, कितना हो गया 512 बटे 125 का होल क्यूब। 512 कितने का होता है मेरे भाई, 8 कितने का होता है 8 का, 8 × 8 = 64 और क्या है 12 512 और ये कितने का होता है 125 5 का अर्थात आंसर आपका कितना आ गया 8/5। या अब इसमें अगर आपने आंसर संयुक्त भिन्न में दे रखा तो किस तरीके से लिखे, 5 का इसमें बाहर दीजिए कितना हो गया 1 सही 3/5 5 × 5 = 8 है ना, इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल उसने जो दे रखा है थोड़ा सा स्पीड को हम लोग मेंटेन करेंगे ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 20 से 25 मिनट, क्योंकि वीडियो को भी ज्यादा लंबा नहीं करना जिससे आप लोग बोर हो जाए है ना, लेकिन उस उठने में आपको सवाल अच्छे अच्छे मिल जाए ठीक है, ज्यादा आपको फिर किताब में प्रेशर ना देना पड़े है ना। अगला सवाल उसने क्या दे रखा देखते हैं, 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 और आपसे पूछ रहा है x का मान अर्थात। ठीक करते हैं इस सवाल को, तो आप जब इस सवाल को करेंगे तो 169 एकम 169 169 + 27 जोड़ दीजिएगा कितना होगा 9 × 7 = 16 × 6 = 8 मतलब 196 बटे 100। अब ये वर्गमूल है तो कितना लगेगा, 196 कितने को होता है 14 का, ये कितने को हो गया मेरे भाई 13 × 13 = 170। आपको मैंने बोल रखा है कि आप लोग 30 तक के वर्गमूल याद कर लीजिएगा है ना, और 15 तक के वर्गमूल जरूर आप लोगों को याद होने चाहिए है ना। तो अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए कैसे, जैसे मैंने वहां पर ब्रेक किया तो 13 × 13 1 + 1/13 हम लोग इस चीज को संयुक्त भिन्न के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इधर लिखा 1 + 1/13 अर्थात बराबर मुझसे क्या करेगा 1 + x/13 आपसे पूछ रहा है ये ठीक है, तो ये भी वही है यहाँ पर भी वही है ना, 13 भी वही है, चेंज क्या है 1 का x से अर्थात x बराबर कितना रहा होगा, x बराबर कितना रहा होगा 1, यही आपका आंसर हो गया है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल उसमें क्या दे रखा वो भी समझ लेते हैं जिससे वर्गमूल घनमूल का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए है ना। अगला सवाल उसने क्या दे रखा देखिएगा, अब उसने दे रखा अंडर रूट हमेशा किस तरफ से, इस तरफ से इस तरफ की ओर हल करते हैं है ना, तो जो अंदर वाला उसने दे रखा देखिए क्या दे रखा है कि 512 × 8। अब आप लोग मेरे भाई एक बात समझिएगा, इसमें आप लोग गुणा नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे गुणा नहीं करेंगे, अगर आप गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी उससे, फिर क्या वो कॉम्प्लिकेटेड आंसर लेंगे। अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि 512 और 8 अपने आप में अलग अलग होल क्यूब होते हैं, तो इनको उस तरीके से कर ले, 512 कितने का होता है मेरे भाई 8 का और ये कितने का होता है 8 2 का, अर्थात जब दोनों बाहर आएंगे तो 16 का पूरा अंडर रूट मतलब अंडर रूट नहीं होल क्यूब कितने का लग रखा 16 ठीक है, इस तरीके से करेंगे ना कि इनका गुणा करके अगर आपने होल क्यूब निकाला तो आप मेरे भाई निकाल ही नहीं पाएंगे ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए, तो अब हमारा बाहर कितना गया 8 × 2 और जब ये बाहर आ गया तो इधर कितना रखा 16 पहले से रखा, लेकिन वहां पर देखिएगा कुछ लिखा नहीं है ना, प्लस माइनस अर्थात हम लोग एज्यूम कर लेंगे वहां पर कितना लिखा है गुणा, गुणा होता है जहां कुछ नहीं होता वहां गुणा होता है ना, तो 16 × 12 कितना हो गया 8 × 2 कितना आसान हो गया। अब इसको बाहर करना तो अब भी आप लोग मेरे भाई गुणा नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की वजह से वो आपको उलझाना चाह रहा है ना कि एग्जाम में आपको टाइम ज्यादा लग गया। आप इसको देखिएगा ये कितना ले रखा है 16 × 8 = 16 अर्थात 2 × 16 लिखा है 116 बाहर आ जाएगा क्योंकि क्या है स्क्वायर है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा मेरे भाई बी इसका सही आंसर हो जाएगा ना। तो इस अप्रोच से सवाल को करना है ना कि आपको टाइम लगा। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है उसने,
अगला सवाल मेरे भाई उसने बोला कि दो संख्याओं का योग 100 है और एवं उनके उनका अंतर कितना है 37। सवाल कॉन्सेप्ट सब बता रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उनके पूछे उनके वर्गों में अंतर होता है, उसने क्या दे रखा समझिएगा, उसने दे रखा दो संख्याओं का योग 100 है ठीक, और उसने अंतर दे रखा है कितना, लेकिन इतना सरल सवाल है। इन दोनों का उसने क्या दे रखा है, योग दे रखा है, उसने अंतर दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर होता है, अर्थात पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस आपसे ये पूछ रहा है, ये दे रखा है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मतलब क्या है कि x प्लस y और x माइनस y। उसने क्या किया, शब्दों में आपको पिरो के सवाल दिया सब, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं। उसने ये दे रखा दो संख्याओं का योग 100, दो संख्याओं का अंतर 37, और आपसे दोनों संख्याओं के वर्ग का अंतर पूछ दिया, तो अर्थात हो गया x प्लस y और x माइनस y, है ना। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, यहां पर कितना दे रखा 100 और ये कितना हो गया 37, तो कितना आंसर आएगा 3700, बता ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या दे रखा है देखते हैं। ये सवाल बहुत आसान सवाल था, डरने की जरूरत नहीं है ना, इसी तरीके से करना है ना। आप x और y की वैल्यू निकालने लगे, x और y की वैल्यू निकाल के फिर आप उसको जो है दोनों वर्ग निकालने है ना, तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा ठीक है। अगला सवाल दे रखा भाई छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, छोटी से छोटी संख्या। ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा याद रखना ऑप्शन से करना, किससे करना मेरे भाई, ऑप्शन से, बहुत आसान रहे। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि इसी संख्या से गुणा किया जाए, तो दो से गुणा करो कितना आएगा बताओ, किसी संख्या का वर्गमूल होता है नहीं होता है ना। अब 24 × 3 कर लीजिएगा, किसी का होता है नहीं होता ठीक है, 24 × 4 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 उठाया तो कितना हो गया 6, ये भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, अर्थात अब हम गुणा करेंगे से 6 से, तो 24 × 6 कितना हो गया 24 × 6 = 12 अर्थात 144। अब हमें प्राप्त हुआ 144, वही ग्रुप है क्योंकि ये किसका वर्गमूल होता है मेरे भाई, पूर्ण वर्ग 12 का होता है, 12 × 12 = 144, अर्थात हम वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 6 है, जिससे 24 में हम गुणा करें तो एक हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है ना। इस तरीके से ये भी आपका सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं पूर्ण वर्ग का है ना, किस तरीके से दे रखा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 15, 24 और 25 से विभक्त है, विभक्त का मतलब कट जाए है ना, 15, 24 और 25 से। इस तरीके से छोटी से छोटी संख्या देती है तो आप क्या करेंगे, हमेशा एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम तो आप लोगों को निकालना यार आता ही होगा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ यार, ये मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ये मैं डायरेक्ट आपके सामने करके दिखाऊंगा क्योंकि ये आपने कक्षा में पढ़ रखा है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तैयार लासा हो गया, मासा हो गया है ना, वो छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या है ना, तो हम मासा लगाते हैं। यहाँ जब लासा का अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, पहले आप 2 से काटेंगे कितना आ गया 12, फिर इसको काटेंगे कितना आ गया 6, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो 5, 1 और 25, 1, 1, 1, 1 यहाँ कितना रहेगा 5, 1, 1, 5। अब आपके सामने क्या आया देखिएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब उसने एक चीज दे रखी, अगर वो ना देखा, अगर आपसे केवल ये बोल देता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ कि जो 15, 24 और 25 से विभक्त हो, तो मेरे भाई यही आंसर हो जाता कि 2 × 4 × 8 = 24, 24 × 25 वही आंसर है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ दूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, बात को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, केवल अगर मैं आपसे पूछ दूं यही प्रश्न में, ये हटा दूंगी पूर्ण वर्ग संख्या वाला वर्ड ही मैं हटा दूं, आपसे केवल इतना पूछ दूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 24, 25 से पूरी विभाजित होगी, तो हम जितना इसका एलसीएम आएगा वही उसका आंसर होगा है ना। लेकिन यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज कर दिया कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दो दो के पेयर होने चाहिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो दो का एक पेयर तो हो गया, लेकिन इसके साथ मेरे भाई अकेला है, तो इसको एक हम अपनी तरफ से दे देंगे तो ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा ठीक, समझते जाइए ये कितना हो गया 4 ठीक है। अब 3 भी अकेला है तो इसको भी हम लोग 1, 3 अपनी तरफ से दे देंगे, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और ये आपका पूर्ण वर्ग पहले से दे रखा है ठीक, तो ये कितना हो गया 25 क्योंकि 5 के 2 पेयर है ना, अर्थात वर्गमूल है पूर्ण वर्ग है ठीक है। तो
अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 मतलब 16 × 9 × 25 इतना आ गया आपका, है ना। तो 16 में कितना होता भाई आपको 25 तक, मेरे भाई अब गुणा मत करने लगना कि 16 9 में कितना होता है ना। तो आप उसका क्या करेंगे, आपको लर्न होनी चाहिए 25 तक के पहाड़े बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तुरंत आपको आना चाहिए कि 16 9 में कितना, 144 × 25। अब इसका गुणा करेंगे 25 × 100 और 10 कितना हो गया 110, कितना हासिल आ गया 11 और 25 × 11 कितना हो गया 36, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 3600। वही सबसे छोटी से छोटी, सबसे छोटी का मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या बनाएगी, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, प्रक्रिया को समझते हैं, उसका वर्गमूल निकालेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी वर्ड उसने ऐड कर दिया है। अगर वो यहाँ पर केवल सवाल में दे देता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो यही हमारा आंसर आ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिया, उसने क्या बोल दिया कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम लोगों को उसको बनाना पड़ेगा। हमने देखा कि दो के पेड़ के साथ एक पेड़ तो है, लेकिन ये दो जो है अकेला पड़ जाएगा, तो इसको एक दो और दे दो तो ये संख्या बन जाएगी, ठीक। और 3 भी अकेले था, इसको भी एक दे दिया, तो हमें केवल कितने की जरूरत पड़ी, 2 × 3 = 6 की। अर्थात अगर ये संख्या ऐसी लिखी होती जैसे 180 आ रहा है ना, तो 6 की और जरूरत पड़ रही थी, तो इस वजह से अब हमने इसको दे दिया, तो इसको भी 3 दिया, और ये 5 5 के दो पेयर बन रहे थे, तो हमने वो लिख दिया, ठीक। तो इस तरीके से जब इसको किया तो 16 × 4 = 16 × 9 × 25 उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो होगी मेरे भाई 3600, ठीक। इस तरीके से आपका ये भी सवाल हो गया। अगला सवाल उसने किस तरीके से देखेंगे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, शब्दों में पिरो के सवाल दिया है किसका, वर्गमूल का, ये कॉन्सेप्ट किसे चला अपना, वर्गमूल घनमूल के ही सवाल चल रहे हैं, ठीक है। उसने देखा एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना की बस में यात्रियों की संख्या, ठीक है। बस में चालक ने 39 रुपए दिए जिसमें कुल मिलाकर चंदा गिरा 1000 रुपए, तो बस में यात्रियों की संख्या बताइए। बस में चालक ने, बात को समझना है कॉन्सेप्ट क्या करा, बस में प्रत्येक यात्री ने, हमने माना कि यात्री के पास एक्स, मतलब यात्री थे प्रत्येक एक्स, ठीक है, प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा किया जितने की बस में यात्री थे, उतना ही चंदा, तो मतलब सपोज ऐसे समझिएगा जैसे 30 यात्री थे, ठीक, तो उन्होंने 30 रुपए दिए, जैसे 60 यात्री होते तो 60 रुपए ही दिए। वो ये कहना चाह रहा कि जितने आदमी थे उतने रुपए का चंदा दिया, ठीक है, यही तो बोला कि उतना ही प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा किया जितने की बस में यात्रियों की संख्या थी। यात्रियों की संख्या पर आप अंडरलाइन करिएगा, है ना, यात्रियों की संख्या का मतलब है जितने यात्रियों की संख्या, जैसे 40 थी 50 थी 60 थी भी मैं नहीं पता, तो हमने मान लिया कि उनकी संख्या कितनी थी मेरे भाई, यक्ष थी, तो उन्होंने यक्ष लोगों ने, मतलब उनकी संख्या यक्ष थी, तो यक्ष रुपए ही तो चंदा दिया होगा, अर्थात उन्होंने जो दिया होगा यक्ष स्क्वायर का चंदा दिया, ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, बस में चालक ने 39 रुपए और दिए, इसी चंदे में 39 रुपए किसने दिए मेरे भाई, चालक ने और अपनी तरफ से 39 रुपए दे दिए, कितने 39 रुपए, ठीक, ये ड्राइवर ने भी दे दिए, ठीक। तो उसके बाद जो कुल मिलाकर चंदे की राशि होगी, कुल मिलाकर चंदे की राशि हो गई 1000 रुपए, तो पूछ रहा कि बस में यात्रियों की संख्या, समझिएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर 1000 में 47 लिया, कितना बचेगा, घटा लीजिएगा 40 का मतलब हो गया 960, अर्थात 961, कितना हो गया 961, ठीक है, 961 हो गया। तो 961 कितने का होता है भाई, 30 का कितना होता है यार ये बताओ, 30 का कितना 900, ठीक, 30 का कितना हो गया 900, तो 30 से हल्का सा बड़ा हो, इकाई का आप देख सकते हैं कि 1 है, तो अर्थात 31 का है एक्स बराबर 31। कल भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा कि मेरे भाई इसको केवल आपको देखना है ना। अब एक तरीका और भी आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे 961 है, अब इन दो डिजिट में अंडरलाइन लीजिए, दो डिजिट में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जब हमने अंडरलाइन कर लिया, इसमें आपको केवल इकाई के अंक को देखना, इकाई का अंक 1 है, 1 कहाँ कहाँ पर आ सकता है, केवल 1 पर आ सकता है, 1 9 पर, 9 9 81 है ना, तो वहां पर केवल इकाई का अंक 1 आ सकता और कहीं नहीं आ सकता। अब आपको केवल इसको देखना है, कितने को 9, ठीक है, 9 किसके करीब है, है ना, किसके करीब, तो 3 के करीब है, 3 × 9 अर्थात 31 इसका आंसर हो गया, क्योंकि 40 से कितना हो जाएगा 1600, तो अर्थात आराम से पता, जैसे आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 625, अब केवल आप इसको देखिएगा, इसमें का इकाई केवल कितने बन सकता है 5 का, तो हमने 5 पे लिख लिया, ठीक। अब ये देखिए, ये संख्या देखना है जो इधर लिख रखी,
कोई भी संख्या हो, है ना, इसको जब आपने लिखा तो इसको देखिए किसके करीब है, किससे बड़ी है, तो तीन से छोटी है और दो से बड़ी है, अर्थात ये जो मतलब ये संख्या होगी दो के आसपास होगी, अर्थात 25। अब देखिएगा जैसे 1024 है, समझते जाइए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, ठीक है। जैसे 24 है तो चार किस्म किसमें आ सकता है, इकाई कहीं बताइए, एक तो दो में आ सकता है ना, तो एक आठ में आ सकता है, कितने में, दो में, या तो दो में या आठ में, इकाई कर्म में केवल चार किस्म हो सकता है, तो दो में या तो आठ में, नौ संख्याएं होती है ना, दस होती है जीरो से लेकर नौ तक, ठीक। अब आपको केवल इस संख्या को देखना, कितने को मेरे भाई, इसको, अब इसको देखना है किसके करीब है, तो तीन त्रिका नौ अर्थात तीन के करीब, अर्थात यहाँ पर जो रहा होगा वो तीन रहा होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि अभी 38 है, अगर मान लीजिए एक संख्या 32 बन सकती है, प्रोबेबिलिटी समझिएगा, और एक संख्या 38 बन सकती है ना, एक संख्या आपकी 32 बन सकती है, एक संख्या क्या बन सकती है मेरे भाई, 38, ठीक है। लेकिन अगर 32 और 38 दोनों को समझिए कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं 32 की बात 38 की बात करूं, 38 किसके 40 के करीब है, तो 4 × 16 = 1600, तो यहाँ पर कितना 1000 ही है, अर्थात 30 × 30 = 900, तो अर्थात आंसर कितना हो जाएगा 32। ये हो गया वर्गमूल। किसी भी वीडियो में वर्गमूल और घनमूल का एक अलग से कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझाऊंगा, कितनी भी बड़ी संख्या दे देना मेरे भाई, कितनी भी बड़ी संख्या मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा उसका तरीका, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक, समझते हैं। घनमूल का एकदम अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर सवाल करा रहा हूँ, मैं बताना चाहूंगा अगले वीडियो में, एक 10-15 मिनट का आपको वीडियो बहुत ही जल्द दे दूंगा, जिससे क्या रहेगा आपको उतना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, किस तरीके से वर्गमूल और घनमूल निकाले जाते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे रखा है कि 765 कुर्सियों को इस प्रकार से स्तंभों में लगाया जाना कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही है। अगर इस तरीके कभी सवाल मिल जाए आपको, मतलब की पॉइंट दे रहा हूँ आपको, कि कुर्सियों की संख्या उतनी, आदमियों की संख्या उतनी, जितनी स्तंभों की संख्या, अगर दोनों बराबर है, यही तो कहना चाह रहा है ना, कि दोनों बराबर थे उस तक पूरे कितनी कुर्सी हटानी पड़ेगी, ठीक है भैया, हटा देंगे हम, ये 765 है, वो कहना क्या चाह रहा है, बराबर है स्क्वायर, इनकी टोटल संख्या ये उतनी क्या है, स्तंभ में उतनी कुर्सियां है ना, तो x इंटू x दोनों हो गई। अब वो इसमें से बोले कितनी कुर्सियां हटा दे कि दोनों लोग मतलब बराबर हो जाता है, वर्ग हो गया मेरे भाई x स्क्वायर, मतलब एक आदमी बिल्कुल बराबर फिक्स बैठ जाए, जैसे चार मतलब चार कुर्सियां तो चार लोग 4 × 16 आठ कुर्सियां, मतलब आठ कुर्सियां आठ स्तंभ, अर्थात 8 × 64 है ना, जितने स्तंभ उतनी कुर्सियां, तो इससे हम कितनी हटा दें, और वो समझता पूरा कि कितनी कुर्सी हटा लेनी पड़े, तो ऑप्शन देख लेना हमेशा ऐसे सवालों को, अगर मैं इससे 6 को हटाता हूँ कितना बचेगा 759, किसी का वर्गमूल नहीं होता है ना, इससे मैंने 6 को हटाया, फिर आप इसको हटा लीजिए 36 को, इससे कितने को हटाएंगे 36 को हटा लेते हैं, जब 36 को हटाएंगे कितना आ गया 9, ये 2, 729 आ गया। 729 किसका, मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि 729 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 9 का क्यूब है, ठीक, 27 का क्या है मेरे भाई स्क्वायर, 27 से क्या है स्क्वायर, अर्थात 729, अर्थात हम 36 कुर्सियां अगर हटा लें तो ये पूरी व्यवस्था हो गई, 36 कुर्सियां हमने हटा ली, अब बची कितनी 729, अर्थात कितने 27 स्तंभ होंगे और 27 कुर्सियों की संख्या होगी, दोनों आपके पूरे हो जाएंगे और आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा इन सवालों को, वर्गमूल घनमूल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, और आपने क्या समझा, शुरुआत के सवाल किसका था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बेस्ड थे दो सवाल, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट वर्गमूल का, किस तरीके से आपको सवाल मिल सकते, और मैंने एक आपको छोटी सी ट्रिक भी बताई वर्गमूल निकालने की, आप कभी फंसेंगे, है ना। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए, थोड़ा मेहनत करिए, एग्जाम जल्द से जल्द आने वाले हैं, क्योंकि अब सरकार थोड़ा सा स्टूडेंट पर ध्यान दे रही है, तो लगे रहिएगा, है ना, मिलते हैं अगली वीडियो।